हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे दो स्टॉक्स के बारे में जो न्यूली लिस्टेड स्टॉक है। दोनों के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट स्टॉक है डिलीवरी एंड सेकंड है कैंपस एक्टिव वियर, जिन दोनों के ही आईपीओ अप्रैल मई 2022 में आए हैं। एंड इन दोनों का ही कंपैरिजन करेंगे कि आने वाले टाइम में कौन सा स्टॉक हमें 10 to 100 बैगर्स रिटर्न बना के दे सकता है। मीन्स या तो अपने पैसे को 10 गुना कर सकता है, देन ओवर द ईयर्स वो अपने पैसे को 100 टाइम्स भी कर सकता है। तो कौन से स्टॉक में ऐसी पोटेंशियल दिखता है एंड कैसे हम किसी भी स्टॉक को एनालाइज कर सकते हैं, किसी भी स्टॉक को बाय करने से पहले हमें क्या देखना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को कम्प्लीट देखें जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बन पाए। डिलीवरी को हम साथ ही साथ ब्लू डार्ट से कंपेरिजन करेंगे क्योंकि दोनों ही सेम सेगमेंट के स्टॉक है, सेम सेगमेंट के बिजनेस हैं। कैंपस एक्टिव वियर का जो स्टॉक है इसको हम रिलैक्सो से कंपेयर करेंगे, देखेंगे। वैसे अगर मैं बताऊं, ब्लू डार्ट एंड रिलैक्सो दोनों ने ही अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को अराउंड 100 टाइम्स तक भी किया है। तो क्या डिलीवरी एंड कैंपस में भी वो कैपेसिटी, वो पोटेंशियल दिखता है? क्या दोनों के मैनेजमेंट में ऐसा है कुछ? क्या इनकी बैलेंस शीट इतनी मजबूत है कि ये भी ऐसा सेम रिटर्न दे पाएंगे? या अगर इन दोनों में से कोई एक अगर दे पाता है तो वो कौन सा स्टॉक हो सकता है? अगर डिलीवरी के कुछ की स्ट्रेंथ की बात करें तो इन्होंने काफ़ी अच्छा रोबस्ट नेटवर्क बनाया है अपना। इंडिया के जो 100% अगर पिन कोड है, मीन सारे पिन कोड की अगर बात करें तो अराउंड 90% पिन कोड तक इनकी पहुंच है। ये प्रोडक्ट जो डिलीवरी सर्विसेज है, अराउंड 90% पिन कोड तक अपनी सेवाएं देते हैं। साथ ही साथ इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर 25% का मार्केट शेयर भी रखते हैं। साथ ही अगर बात करें तो जैसे एसेट लाइट बिजनेस है, इंटीग्रेटेड पोर्टफोलियो है लॉजिस्टिक सर्विसेज के अंदर, एंड एक्सपीरियंस्ड एंड एंटरप्रेन्योरियल टीम है जो कि डाइवर्स बैकग्राउंड से रिलेटेड है। आईपीओ की अगर बात करें तो इसका आईपीओ मई 11, 2022 में आया था एंड इसकी प्राइस थी अराउंड 487 के आसपास की, एंड करंटली स्टॉक जो है 634 पे ट्रेड कर रहा है। साथ ही अगर कैंपस एक्टिव वियर की बात करें तो कैंपस एक्टिव वियर जो है फुटवियर सेगमेंट में काम करने वाली कंपनी है, एंड ये चार कैटेगरी होती है जनरली फुटवेयर कैटेगरी में, उन चारों ही कैटेगरी में अपने शूज़ फ्लिप फ्लॉप वगैरह बनाती है। वो है जैसे एंट्री लेवल के शूज़ होते हैं जो अराउंड 1000 रुपये के आसपास के होते हैं, देन उसके बाद 1000 से 1500 रुपये के बीच के सेमी प्रीमियम लेवल के, देन प्रीमियम लेवल के जो 1500 से 3000 के हैं, देन प्रीमियम प्लस, चारों ही कैटेगरीज में ये अपने शूज़ बनाती है। एंड ये डिफरेंट कंपनीज लाइक रिलैक्सो, बाटा, नाइकी, प्यूमा एंड एडिडास, इन सारे ही कंपनीज से कंपीट करती है। कैंपस एक्टिवियर के आईपीओ की अगर बात करें तो इसका जो प्राइस बैंड था अराउंड 300 रुपये के आसपास का आप पकड़ के चल सकते हैं, एंड ये भी अप्रैल 2022 में आईपीओ आया था। करंटली इसकी प्राइस 414 चल रही है। अब इन दोनों ही कंपनीज़ का हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम बात करेंगे जैसे कैंपस एक्टिवियर के कुछ अगर फंडामेंटल्स की बात की जाए तो 12,000 करोड़ मार्केट कैप की कंपनी है। ROC एंड ROE दोनों ही आपको 30% से ऊपर नजर आते हैं जो कि काफ़ी अच्छे लेवल पे है। प्रमोटर होल्डिंग 74% पे है, अगेन डिसेंट लेवल पे नज़र आती है। जो प्रॉफिट ग्रोथ है लास्ट 3 साल की वो 48.1% पे है, वो भी काफ़ी अच्छा डेटा है। तो एंड अगर बात की जाए, सेम डेटा हम देखेंगे कि डिलीवरी के केस में, तो डिलीवरी के केस में हम देखेंगे तो ये 45,000 करोड़ मार्केट कैप की कंपनी है। ROC एंड ROE दोनों ही नेगेटिव है। अब हम देखेंगे कि अगर ROE एंड ROC नेगेटिव में है तो उनके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, हम क्यों हमेशा स्टॉक को एनालाइज करते टाइम इन डेटा को देखते हैं, आज के वीडियो में आपको समझ आएगा। अब आप अगर देखेंगे तो फ्री कैश फ्लो भी कंपनी ने जनरेट नहीं किया है, 2022 करोड़ का फ्री कैश फ्लो इवन नेगेटिव में है। कंपनी के ऊपर डेट भी है। अब अगर देखा जाए डिलीवरी के केस में, हम डायरेक्ट चलते हैं जैसे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे क्या कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं है। जैसे आप देखेंगे मार्च 2016 के अंदर कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया था 496 करोड़ का, एंड अगर आप देखें तो 317 करोड़ का कंपनी ने लॉस बुक किया है। मींस 2016 में ये कंपनी लॉस मेकिंग थी, देन 2017 में इन्होंने अपने रेवेन्यूज़ को काफ़ी अच्छे तरीके से इंक्रीज़ किया है, 496 से 738 करोड़ का हुआ है। लेकिन यहाँ भी कंपनी ने लगभग अपने रेवेन्यू के बराबर का ही लॉस बुक किया है, अराउंड 631 करोड़ का। एंड ये स्टोरी लगातार इसी टाइप से चलती आ रही है। जब कंपनी ने 1000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया तो 684 का लॉस था, 1654 करोड़ का रेवेन्यू, देन 781 करोड़ का लॉस। जितना का रेवेन्यू नहीं है उससे भी ज़्यादा का कंपनी लॉस बुक कर रही है। देन 2777, देन 284 का लॉस,
3500, देन 356 करोड़ का लॉस। देन कंपनी ने रेवेन्यू काफ़ी अच्छे तरीके से इंक्रीज किया है, बट वो सेम चीज़ आपको बॉटम लाइन मींस कि नेट प्रॉफिट में नज़र नहीं आ रही है, मींस कंपनी अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं है। जनरली स्टार्टअप एंड कोई भी जो नई कंपनी होती है उनका ये फंडा रहता है कि जब वो कम रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, लाइक जब तक ये 796,738 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर रहे थे, तब तक ये ऐसा बोल सकते थे कि जब हमारा रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो हमारी कंपनी धीरे धीरे प्रॉफिटेबल होती जाएगी। बट ऐसा डिलीवरी के केस में नहीं हुआ है, कंपनी स्टिल लॉस मेकिंग कंपनी है। तो क्या ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए? तो हम जितने भी वीडियो बनाते हैं, हम ऐसी कंपनी में कभी भी इन्वेस्ट करना प्रेफरेबल नहीं मानते हैं। साथ ही साथ एक और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपको देखने को मिलेगी जब हम इसको कंपेयर करेंगे ब्लू डार्ट से। डिलीवरी सेम सेगमेंट में काम करती है जिसमें ब्लू डार्ट करती है, तो ब्लू डार्ट का भी मैंने ओपन कर रखा है। यहाँ आप देखेंगे कि ब्लू डार्ट इज़ ओनली 21,000 करोड़ मार्केट कैप कंपनी, बट डिलीवरी इज़ 45,000 करोड़ मार्केट कैप कंपनी। मींस इन्होंने अपने वैल्यूएशन को, अपने रेवेन्यू को फिगर को बढ़ा के अपने जो वैल्यूएशन है उसको इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है, एंड प्रमोटर ने अपने सारा स्टेक को बेच के यहाँ से निकल लिए हैं। आप देखेंगे कि जैसे इन्वेस्टर्स पे आप क्लिक करेंगे तो प्रमोटर्स के पास आपको कोई स्टेक नहीं दिखेगा यहाँ पे। इंस्टेड ऑफ दिस, अगर आप ब्लू डार्ट में देखेंगे एंड आप इन्वेस्टर्स पे क्लिक करते हैं तो आप पाएंगे कि ब्लू डार्ट के प्रमोटर्स के पास 75% का स्टेक है एंड पब्लिक के पास 11% का स्टेक है। यहाँ आप देखेंगे डिलीवरी के केस में 85% जो माल है वो पब्लिक को पिला दिया गया है IPO के थ्रू। मींस प्रमोटर्स के पास जीरो होल्डिंग है, कहीं भी कोई प्रमोटर नज़र नहीं आता है। तो ऐसा बिजनेस जब कब जाके प्रॉफिटेबल होगा वो कह पाना काफ़ी मुश्किल है, कि शेयर होल्डर्स के पैसे कैसे बनेंगे वो भी कह पाना काफ़ी मुश्किल है। वहीं आप ब्लू डार्ट के अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखेंगे तो आप देखेंगे कि 1100 करोड़ की जब कंपनी सेल कर रही थी तब भी नेट प्रॉफिट था 95 करोड़ का। देन कंपनी ने अभी ट्रेलिंग 12 मंथ मींस लास्ट जो 12 महीने हैं उसके अंदर 4,838 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया, तो अराउंड 470 करोड़ का नेट प्रॉफिट भी कंपनी ने जनरेट किया है। एंड थ्रू आउट फ्रॉम 2010 कंपनी आपको लगातार प्रॉफिटेबल नज़र आएगी। यही चीज़ आपको इसके शेयर प्राइस में भी नज़र आएगी। ब्लू डार्ट का अगर आप मैं शेयर दिखाता हूँ तो मैंने मैक्सिमम पर क्लिक किया है, देन अगर आप रिटर्न देख सकते हैं 10,449% के रिटर्न कंपनी ने बना के दिए हैं। ये एक क्लियरली 100 बैगर स्टॉक है। सेम चीज़ अगर हम कैंपस एक्टिवियर के केस में देखें तो कैंपस एक्टिवियर के अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस में जाएं तो वहाँ 2019 से लेके अभी तक का डेटा हमारे पास आएगा। कंपनी ने 595 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट की, देन 732, 711, देन 1194। इंक्रीजिंग ऑर्डर में रेवेन्यू दिखता है, मीन्स टॉप लाइन जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। क्या कंपनी प्रॉफिटेबल है? 38 करोड़ का नेट प्रॉफिट, देन 62, देन 27 करोड़, देन 125 करोड़। तो ये कंपनी जो है काफ़ी अच्छी दिखती है। पिछले 4 साल का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखने में भी कंपनी प्रॉफिटेबल दिखती है। प्लस अगर आप इन्वेस्टर्स पर क्लिक करते हैं एंड इसके प्रमोटर की होल्डिंग देखते हैं तो 75% का जो हिस्सा है प्रमोटर के पास है, तो डिसेंट प्रमोटर होल्डिंग है। FII के पास भी 5.27% का स्टेक है, DII के पास भी 6.60% का स्टेक है। तो सारे ये डेटा अगर आप देखते हैं तो काफ़ी क्लीन नज़र आते हैं कैंपस एक्टिवियर के केस में। एंड वही सेम अगर आप इसे रिलैक्सो से कंपेयर करेंगे, रिलैक्सो में अगर आप देखेंगे कि प्रमोटर होल्डिंग जो है 70% के आसपास की प्रमोटर होल्डिंग है। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी देखेंगे तो लगातार प्रॉफिटेबल कंपनी है, जैसे कि कैंपस एक्टिवियर है उसी टाइप से एक्टिवियर ये जो रिलैक्सो है। एंड रिलैक्सो के अगर आप रिटर्न देखेंगे लास्ट, अगर मैं मैक्सिमम पर क्लिक करता हूँ देन ये 2011 से लेके चार्ट यहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ से आप देखेंगे अराउंड 7,000% के रिटर्न रिलैक्सो ने अपने इन्वेस्टर्स को बना के दिए हैं। तो इससे अच्छा कोई मल्टीबैगर का एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता आप देखेंगे। तो जब आप कंपेयर करते हैं कैंपस को डिलीवरी से तो क्लियरली कैंपस जो है काफ़ी ब्राइट साइड में नज़र आता है। तो कभी भी आप किसी भी इन्वेस्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो जिन पॉइंट्स के बारे में मैंने डिस्कस किया है उन पॉइंट्स को ज़रूर देखें। सिर्फ रेवेन्यू के फिगर पे नहीं जाना है, सिर्फ मार्केट शेयर कंपनी के पास कितना है उस पे नहीं जाना है, हमें कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस पे क्लिक करके देखना है कि नेट प्रॉफिट कंपनी जनरेट कर पा रही है या नहीं। इसके साथ कंपनी को अपना जो मार्केट शेयर है वो गेन करना चाहिए, ना कि मार्केट शेयर गेन करे जा रही है कंपनी लेकिन कोई प्रॉफिट नहीं है। साथ में प्रमोटर अपने धंधे पे विश्वास करेगा तभी वो अपने पास उसके स्टेक रखेगा। तो प्रमोटर जीरो होल्डिंग है, मीन्स प्रमोटर को खुद को ही आगे प्रॉफिटेबिलिटी में शक है, उन्होंने अपना स्टेक ही नहीं रखा। जबकि कैंपस एक्टिवियर के केस में आप देखेंगे कि 74% का स्टेक प्रमोटर के पास ही है। तो ऐसी कंपनी जो है आपको फ्यूचर में मल्टीबैगर रिटर्न बना के दे सकती है। तो ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में मैंने इस वजह से बताई है कि आप किस टाइप से
किन दो कंपनीज को कंपेयर कर सकते हो, एंड वाइल पिकिंग एनी स्टॉक आपको किसी भी बहकावे में आके किसी भी स्टॉक को बाय नहीं करना है। कि अपने स्टॉक का एनालिसिस आप खुद करें, आप किसी भी कंपनीज के स्टॉक को पिक कर सकते हैं। आप यहाँ स्क्रीनर पे आप स्क्रीन पे क्लिक करके डिफरेंट डिफरेंट मार्केट कैप की प्रॉफिट के अकॉर्डिंग कंपनीज़ को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, एंड उनमें से अपना खुद का एनालिसिस करके किसी भी स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।